गोपीनाथ स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा के मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश पटेल से कमोडिटीज कंट्रोल डॉट कॉम ने कॉटन यार्न इंडस्ट्री के करंट ईयर और अगली उम्मीदों पे बातचीत की। कमलेश भाई, यह बताइए कि जो कॉटन यार्न इंडस्ट्री है उसके लिए करंट ईयर कैसा रहा? कॉटन यार्न के करंट ईयर एंड एग्जैक्ट स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए देखने जाओ तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ईयर फॉर द स्पिनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि शुरुआत में जो प्राइस कॉटन के थे रो कॉटन के हमारे लिए वो 45,000 के अराउंड में थे, बट लुकिंग टू द लास्ट 3-4 months सिचुएशंस वी आर फार, मतलब प्राइस इज कमिंग डाउन। सो डेफिनेटली मतलब प्राइस के हिसाब से, रो मटेरियल के हिसाब से हमारे प्राइस काफ़ी डाउन रहे, इसके लिए कॉटन भी मतलब मार्जिन भी अच्छा था, बट इफ़ यू सी लास्ट 3 months तो यार्न के प्राइस भी काफ़ी डाउन आए हैं। तो लास्ट 3 months तक तो डेफिनेटली, बट लास्ट ईयर डेफिनेटली इट वॉज गुड कम्पेयर टू लास्ट टू लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आप कैसा देखते हैं अभी? नेक्स्ट ईयर में वी आर सीइंग के इस टाइम भी लग रहा है कि एज ऑफ नाउ कॉटन का प्रोडक्शन जो है ओवरऑल इन इंडिया वो बम्पर क्रॉप रहेगा, इस हिसाब से हमारा रॉ मटेरियल डेफिनेटली इज गोइंग टू बी चीप फॉर अस। सो हमारा प्राइस भी लग रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइस विल बी डाउन, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ गुड ईयर फॉर स्पिनिंग। लेकिन कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट है वो इस समय लगभग ठप जैसा पड़ गया है, तो उसका पूरे बाजार पे क्या असर देखने को मिल रहा है? सर्टेनली, क्योंकि सबके पास क्या ऊंचे प्राइस के कॉटन का होल्डिंग था और प्राइस यार्न के प्राइस अभी डाउन आ रहा है, उसका रीज़न वो भी है कि आज फॉरेन से भी काफ़ी इंक्वायरीज जो पहले जो जनरेट हो रही थी वो काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी मतलब स्पिनर के पास स्टॉक्स हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि लोग देख रहे हैं कि भाई एज ऑफ नाउ कि प्राइस और गिर जाएगा, इस हिसाब से काफ़ी मतलब लोकल बायर्स और एज वेल एज एक्सपोर्टर्स में भी काफ़ी मतलब अभी इतनी कोई इंक्वायरीज नहीं आ रही है, सो लुकिंग टू दैट फैक्टर में प्राइस विल बी इन प्रेशर। क्रूड के भी दाम लगातार नीचे आ रहे हैं, तो yes. आपको क्या लगता है कि अगले समय में आने वाले दिनों में पॉलिस्टर यार्न से टफ कंपटीशन करना पड़ेगा कॉटन यार्न को? या डेफिनेटली, बिकॉज पोलिएस्टर के प्राइस भी लास्ट आप एक महीने में देखो तो ऑलमोस्ट 10% ऑलमोस्ट इट विल डाउन, इट्स डाउन। तो अभी क्या, अभी आगे भी हमको लग रहा है कि और प्रेशर में आ सकता है कि क्रूड के प्राइस भी डे बाई डे गिर रहे हैं तो सामने, और कॉटन के प्राइस भी नीचे आ रहे हैं तो पोलिएस्टर भी प्रेशर में है ही है। इस समय कॉटन यार्न की इन्वेंट्री कितने दिनों की है और इसको कम करने के लिए क्या नए बाजार खोजे जा रहे हैं? नए बाजार में ऐसा है कि देखो आप स्पेशली देखो तो ऐसा है कि फाइन काउंट्स जो है, आप फाइन काउंट्स बनाने वाले जो है कंट्रीज़, उसमें पाकिस्तान, इंडिया डेफिनेटली, वो तो हमारे पास ही फॉरेन यूरोप है, अमेरिका, कहीं पे भी है वर्ल्ड में, मतलब फाइन काउंट्स के लिए तो इंडिया में ही आना पड़ेगा और इंडिया के अंदर ही ये मतलब जो क्वालिटीज़ चाहिए वो मिल सकती है एज ऑफ नाउ। तो हमको लग रहा है कि कॉटन यार्न जो है वो इंडिया से ही और मतलब एशियन कंट्रीज से ही कैटर होगा, वो तो कोई सवाल ही नहीं है उसके लिए। तो इस साल भी लग रहा है कि कॉटन जो है, जो प्राइसिंग है वो भी डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर में तो रहेगा। आने वाले दिनों में चीन से कोई कंपटीशन देखते हैं आप? ऑफकोर्स, मतलब अभी हमको जो लग रहा था, अभी तक चीन ने भी खुद की कोई पॉलिसी उनकी बनाई थी जो कॉटन की जो स्टोर उनकी जो स्टॉकिंग पॉलिसी थी, अभी जो लोग रिवाइव कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो पहले था काफ़ी डिस्पैरिटी मतलब हमारे और उनके कॉस्टिंग्स में थी, बट हमको अभी लग रहा है कि डे बाई डे जो अभी दे आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन देमसेल्व्स, तो वो उनके लिए हमको ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया कैन बी गिव अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस अगेंस्ट चाइना, सो वी कैन वेरी वेल कॉम्पीट चाइना, नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार जल्दी ही टेक्सटाइल पॉलिसी नई जारी करने वाली है, उसमें क्या उम्मीद है स्पिनर्स को? स्पिनर्स को ये है कि इसी अपने यहाँ पे अभी आज की तारीख में आप देखें जो ओवरऑल कैपेसिटी स्पिनलेज थ्रू आउट इंडिया जो है उसमें फिर अभी भी 40-50% कैपेसिटी है, इट इज़ मोर देन 25 ईयर्स टेक्नोलॉजी। सो मेरे हिसाब से लुकिंग टू द सिचुएशन ऑफ मार्केट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी यार्न,
सो इसके अंदर जो ये कैपेसिटी जो है उसको अपने को डेफिनेटली न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करनी चाहिए, विद दी न्यू ऑटोमेशन से अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए तो लेबर की भी शॉर्टेज काफ़ी रहती है, तो लेबर के प्रॉब्लम्स हैं और क्वालिटी की भी प्रॉब्लम है, तो वो दोनों को करने के लिए अपने को हाई एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, और फॉर टू सपोर्ट दैट हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशंस गवर्नमेंट को अभी जो टफ स्कीम है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कमलेश भाई, आपसे आखिरी सवाल कि डॉलर और रुपए का लेवल आप किस तरह देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में? बस अभी जो नई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आई है, उस हिसाब से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से, वो जो स्टेप्स के हिसाब से लग रहा है कि इनफ्लो डेफिनेटली डॉलर्स के रहेंगे इंडिया के अंदर, तो प्राइस वुड बी रिमेन अराउंड 50 to 60 rupees, एंड इनफ्लो है और अभी एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा अभी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली मतलब प्राइस वुड बी एनीवेयर बिटवीन 50 to 60 rupees। कमलेश भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।